टोडामल जी साहब कह रहे हैं कि हे जीव, माने मुझसे कह रहे हैं, हम सबसे कह रहे हैं कि हे भैया, तुम संसार में कर्म निमित्त से नाना प्रकार के दुखों से पीड़ित हो रहे हो। हो रहे कि नहीं हो रहे? आप में से कौन दुखी है? सब दुखी? सबकी कभी मत बोला कर, सबकी जिम्मेदारी बहुत बुरी है, अपनी बस बोल। बताओ रमन जी, दुखी हो गए सुखी हैं? बजसेन जी सुखी हैं। बजसेन जी सुखी क्यों हो? हम तो इनसे पूछते दुखी क्यों हो, अब आप सुखी हो तो यही बताओ सुखी क्यों हो? अपने में अपनापन है इसलिए। अपने में अपनापन है इसलिए सुखी है। तो इसका विपरीत करो कि अपने में अपनापन नहीं है तो दुख का कारण बाहर कहीं पर भी। क्लियर हो गई कि नहीं हो रही? अगर मेरा अपने में अपनापन है, अपने में माने इस देह में, शरीर में, संयोग में, कषाय में, कर्म में, राग में, किस में, मैं माने कौन? आत्मा। मैं माने कौन? मैं माने कौन? आत्मा। रटना नहीं, अनुभव से देखना। अनुभव से देखोगे तो श्रद्धा पलटेगी, और रट रट के चलोगे वहीं के वहीं खड़े रहोगे, और रटने से भ्रम खड़ा होगा। क्या भ्रम खड़ा होगा? कि तोता सीख गया, तोता सीख गया। शिकारी आता है, जाल बिछाता है, दाना डालता है, हम दाना खाने जाते हैं, जाल में फंस जाते हैं, इसलिए हमें दाना खाने नहीं जाना है। एक गुरुजी ने तोते को रटा दिया, तोता रट लिया। अब गुरुजी ये भूल गए कि तोता है और रटने में होशियार है, रट लिया। अब गुरुजी ने 15 दिन देखा, बराबर बोल रहा है, शिकारी आता है, जाल बिछाता है, दाना डालता है, और हम जाल में फंस जाते हैं। तो गुरुजी ने कहा, वाह बेटे वाह, अब तुम सीख गए, जाओ अब तुम पिंजरे से आजाद होने का तुम्हारा समय आ गया। और उसको छोड़ दिया, तोता उड़ गया, उड़ गया जंगल की तरफ, और एक डाल पे बैठा है, और क्या कह रहा है? शिकारी आता है, जाल बिछाता है, दाना डालता है, दाना खाने जाते हैं, जाल में हम फंस जाते हैं, इसलिए हमें दाना नहीं खाना। शिकारी आया जंगल में, उसने तोते को फंसाने के लिए जाल बिछाया, लेकिन देखा कि तोता तो बोल रहा है, शिकारी आता है जाल में, अरे ये तो सब जानता है, ये तो मेरे जाल में कैसे फंसेगा, ये तो बहुत होशियार तोता है। समझ गए नहीं समझ गए? वो चला गया, लेकिन जैसे ही जाने लगा 10-20 मीटर चला, फिर उसे याद आया, अरे ये तो तोता है, क्या है, और ये तो रट लिया है, जाल बिछाता है, दाना डालता है, और थोड़ी देर बाद तोता जाल में फंस जाता है। तो जाल में फंसे फंसे क्या चिल्लाता है? हैं? शिकारी आता है, जाल बिछाता है, दाना डालता है, और जी उसमें तोता फंस जाता है, और वो जाल में फंस के शिकारी इसको टांग के लेके जा रहा है, और गुरुजी महाराज के आश्रम के उधर से निकल रहा है। तो गुरुजी महाराज की आंखों में आंसू, अरे ऐसे ही तो जीव की दशा, ऐसे ही तो जीव है बेचारा, शास्त्रों से पढ़ पढ़ के, पंडितों के डंडे खा खा के, महाराजों के सत्संग कर करके, समझ गए ना, सीख लेता है। जीव दुखी है, जीव दुखी है, जीव मिथ्यात के कारण दुखी है, जीव चार गति में घूम रहा है, इस बेचारे को अपनी खबर नहीं है, मान कसाय में दौड़ रहा है, ऐसी बढ़िया बढ़िया बातें रट लेता है, ऐसा समय सार सुन लेता है, और समय सार खत्म होते ही, हाँ जी भैया, कौन बोली लगाएगा, देखो जी 1 लाख रुपए मेरे, फिर भूल जाता है समय सार की बात, फिर मान कसाय में दौड़ लगाता है, फिर प्रतिष्ठा के लिए पागल हुआ जाता है, और एक तरफ बोलता भी जाता है, मान महाविसरू करई नीचे
गति जगत में, चलता रहा चलता रहा। और फिर ऐसा अभ्यास कर करके ऐसे हम ढीठ हो जाते हैं कि हम ये बातें भी बोलते रहते हैं, जाल में भी फंसे रहते हैं और अपना शिकार भी होता रहता है और मिथ्यात्व का सेवन दबा के करते रहते हैं। अरे खबर नहीं मिली, ये सब बातें कोई गप नहीं मार रहे, ये कोई हम तुम्हारे लिए नहीं कह रहे, हम अपने लिए कह रहे, ये मेरी दशा है, ये मेरी हालत है। और ऐसे मैं मेरी हालत कह रहा हूँ, ऐसे तुम कहना तुम्हारी अपनी हालत है। दूसरे की हालत मत देखना, दूसरे के बारे में मत लगाना, ऐसा अपने बारे में सोचना कि मैं कहीं ऐसे ही तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं उस तोते जैसा तो नहीं हूँ, बोलता हूँ आत्मा, बोलता हूँ शुद्धात्मा और मानता शरीर हूँ, अपने को बोलता हूँ मिथ्यात् दुख का कारण है और मुझे दिन भर तो क्या कभी मिथ्यात् दुख का कारण लगता ही नहीं, मुझे दुख का कारण हमेशा परद्रव्य दिखाई देता है, संयोग दिखाई देते हैं, 24 घंटे उन्हीं को बदलने का, उन्हीं को जुटाने का, हटाने का, मिलाने का, समाज का, संयोगों का, मोहल्ले वालों का, रिश्तेदारों का, इन्हीं इन्हीं का चिंतन करता रहता हूँ और भ्रम से अपने को धर्मात्मा समझता हूँ। अरे रे रे रे, मुझे इन बातों की खबर नहीं। इसलिए मेरे भाई शास्त्रों को रटना छोड़ो, रट रट के विद्वान बन के क्या करोगे, रट रट के मोक्षु बन के क्या करोगे, अनुभव करो। ये दुर्लभ भव आत्मा का अनुभव करने के लिए मिला है कि महाराज आप कहते तो हो लेकिन आत्मानुभव होता नहीं, हृदय पे हाथ रखो आत्मानुभव करते नहीं। ख्याल में आए कि नहीं आया? अरे फिर बात ऐसी लेते हैं, ये बात है तुम लोगों को, हम लोगों ही ने सिखाई है। कौन सी? ये निश्चय का कथन व्यवहार, इस श्रोताओं को इतना होशियार बना दिया इन पंडितों ने कि बिल्कुल बकवास हो गई जिंदगी। कैसा वो निश्चय से, वो व्यवहार से, दोनों नयों को बराबर समझते चलो। अब तुम्हें भी बहुत अच्छा मजा आ गया। बाहर किसी ने पूछा, ये तो सब व्यवहार है सब, आप इतनी प्रभावना की, अरे साहब सम्यक दृष्टि को प्रभावना का भाव नहीं आता क्या? ऐसे तर्क सिखा दिए, ये सब तर्क तुम्हारे भाव खराब कर देंगे, जिंदगी खराब कर देंगे तुम्हारे। तर्क बहुत अच्छी चीज नहीं है। आचार्य भगवान तर्क से बात समझाते हैं और फिर खुद ही ये बात कहते हैं कि अब अगर तुझे आत्मानुभव करना है तो इन तर्कों को एक तरफ रख दे, क्योंकि अब ये तर्क तुझे ले डूबेंगे अगर तू अब आगे तक लेके जाएगा तो। हमारे यही तो तर्क है, भगवान करता धरता है कि नहीं? वीके जैन साहब कैसे नहीं है बताना, भगवान करता धरता नहीं है कैसे नहीं करता? ये पृथ्वी किसने बनाई, कैसे बन गई ये दुनिया? कुमार के बिना घड़ा बनता है? ए? तो कोई तो होगा जो इतनी बड़ी दुनिया चला रहा होगा, बिना कर्ता के कर्म होता है? एक पक्ष खड़ा किया, किया ना ये पक्ष, अंदर से तो अपन बहुत स्थिति खराब है। अपने एक वाक्य बसें जी, सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है, ये वाक्य है ना, आपको अच्छा लगता है ना, लेकिन इस वाक्य में बहुत खतरनाक घोटाला है कि क्यों? सत्यमेव जयते नहीं है, जो जीतता है वही सत्य है। पकड़ गए आपने क्या कहना चाह रहे? सत्यमेव जयते नहीं है, जो जीत गया वही सत्य है। कि कैसे साहब? अभी बताते, अभी वर्तमान में कांग्रेस की कोई इज्जत नहीं, बेचारी स्थिति खराब है, बैक फुट पे है, और मान के चलो 2024 में जीत जाए, अभी सारे के सारे सत्यवादी कौन बने फिर रहे हैं? बीजेपी वाले, और सारा झूठे का मुकुट किसके माथे लगा हुआ है, समझ ना?
और अभी 2024 में चुनाव हो और कांग्रेस जीत जाए और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए तो तुम और हम सारे किसकी तरफ पहुंच जाएंगे? सत्यमेव जयते। कांग्रेस वाले क्या कहेंगे? सत्य की जीत होती है। तो मेरे भाई 2019 में हार कैसे हो गई अगर सत्य की जीत होती है तो? 2014 में कैसे हार गया? अंतर समझ में आया तुम्हें? पकड़ में आई? हम हमेशा सत्य के पीछे नहीं रहते, हम हमेशा जीत के पीछे रहते। जिसकी लाठी, ये कहावत तो सुनी है ना, भैंस किसकी, जिसकी लाठी ऐसी। सत्य कौन? सत्यवादी कौन? बड़ा विद्वान कौन? बड़ा महाराज कौन? बोलो। जिसके पास ज्यादा फॉलोअर्स हो, जिसकी ज्यादा भीड़ हो, जिसका ज्यादा बहुमत हो, वो सत्य। हमारी सत्य की असली स्थिति ये है। अगर हम किसी व्यक्ति से कहें कि वो व्यक्ति सही नहीं है तो पता हमारा तर्क क्या है? अच्छा, अगर वो सही नहीं है तो 5 लाख आदमी उसके पास ऐसे जाता है, बोले सत्य है कि नहीं? जबकि मैं तुमसे पूछता हूं, अगर वास्तविकता सत्य के पास ही सब जाते, असत्य के पास कोई जाता ही नहीं, तो असत्य की दुकानें सत्य से ज्यादा कैसे चल रही होती? वर्तमान में भी नहीं, अनादि अनंत काल संसार में सत्य की दुकानें बहुत कम चलती हैं, असत्य की ही दुकानें चलती हैं। और वे असत्य की दुकानें कौन चलाता है? वे अज्ञानी संसारी जीव चलाते हैं और चलवाते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि सत्य शास्त्रों से नहीं मिलता, सत्य अनुभव से मिलता है। कैसे मिलता है? तो मैंने आपको एक तर्क दिया ना अभी कि भाई ये दुनिया किसने बनाई, तो इसमें जिसके तर्क ज्यादा भारी पड़ जाएंगे तुम किसकी तरफ चले जाओगे? तर्क जिसके भारी पड़ जाएंगे तुम किसकी तरफ चले जाओगे? जैसे हमने तर्क दिया कि अगर ब्रह्मा जी ने बनाया तो ब्रह्मा जी को किसने बनाया? अभी अच्छी तर्क भारी पड़ गई, बात तो ठीक है, बढ़ गया ना भारी, भारी पड़ गया, नहीं भारी कैसे पड़ गया? सत्य में सत्य तो बहुत गिरा। हाँ बताओ बताओ, भारी कैसे पड़ गया? है? हाँ, ये सत्य। अब ये तर्क भारी पड़ गया कि अगर ब्रह्मा जी ने दुनिया बनाई तो ब्रह्मा जी को किसने बनाया? कैसा ब्रह्मा जी अपने आप बन गए तो फिर दुनिया भी अपने आप बन गई। समझ आया कि नहीं आया? अरे जब एक चीज अपने आप बन सकती तो सारी चीजें क्यों नहीं बन सकती? अब ये तर्क अपन को जम गया, ये बात ठीक है। अंतर समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गए? अंतर समझ आया? अब तुम इस तर्क के भरोसे अपने को धार्मिक मानते हो जबकि ये तर्क है। अंतर समझ आया? ये क्या है? ना ब्रह्मा जी तुमने देखे, ना मैंने देखे, ना बनते हुए ना बिगड़ते हुए, हमने कुछ नहीं देखा। इसलिए मैं कहता हूँ तर्कों से आप चीज को सिद्ध तो कर लोगे। मैंने आपको कहा ना, एक उदाहरण दिया अभी, नमक कैसा है? नमक कैसा है? चीनी कैसी है? लेकिन प्रश्न है, बिना अनुभव के बतानी है तो आप बता दोगे? क्यों? 10 आदमी गवाही खड़ी कर दो, बताओ रे भैया नमक कैसा होता है, वो क्या कहेंगे? तुम कहोगे देखो उठाओ शास्त्र, उठाओ 2000 वर्ष पुराना, उसमें क्या लिखा है नमक कैसा होता है? खारा। और क्या चाहिए आप खुश हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? कहोगे हाँ भाई ठीक है। बस ऐसे ही खुश हो रहे हैं हम वो नमक की डली चख नहीं रहे, हम सिर्फ ये देखते फिर रहे हैं कि साहब इसमें इतने लोग सुनने वाले, इतने लोग समझाने वाले, और 2000 वर्ष पहले लिखी गई ये सत्य हो गई बात। देखो भाई मैं बार बार कहता हूँ, जब तक तुम्हें संसार में दुख नहीं लगे तब तक बोलो ही मत के दुख है, तब तक बोलो हमें तो बहुत बढ़िया लग रहा, तब तुम सत्य के पास पहुँच सकती हो। क्यों? क्योंकि तुम अपने अनुभव की बात बोलना सीख गए। हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि अनुभव हमारे अंदर कुछ और चलता है और हम बोलते कुछ, इससे हम दूसरे को कंफ्यूज नहीं करते, अपने आप को ही कंफ्यूज करते रहते हैं।
हमारे वो कहते हैं ना हाथी के दांत और खाने के कुछ और, ऐसी हमारी जीवन शैली कैसी है, अंदर का अनुभव कुछ और बोलते कुछ और है। इसलिए होता क्या है कि जिंदगी में कभी सम्यक दर्शन नहीं होता। सम्यक दर्शन तभी हो सकता है जब तुम्हारे अंतरंग में ये बात निर्णय में आ जाए कि मेरे अनुभव में जो आ रहा है मैं उसको ही देखूंगा, और मेरे अनुभव में जब तक जो नहीं आ रहा है उसको देखने या देखने मानने या नहीं मानने से कुछ होने वाला। आत्मा ज्ञान दर्शन में ही है कि रागमयी कैसी है? अरविंद जी, आत्मा रागदेश वाल रागदेश का करता है कि ज्ञान दर्शन का? ज्ञान दर्शन है। आप लोग बताओ, आत्मा रागदेश का करता है कि मैंने रागदेश होते हैं आत्मा में कि ज्ञान दर्शन होता है कि दोनों होते हैं? जब विचार चलता है तब तो लगता है कि ज्ञान दर्शन हो रहा है, रागदेश अपने से भिन्न है, और जब विचार नहीं चलता तब लगता है कि काय का रागदेश के अनुसार आत्मा किसका शरीर कहाँ हो रहा है किसमें हो रहा है हमें कुछ नहीं पता। अंतर समझ में आया? तो वो भी विचार चलता है तब, और वो विचार भी परद्रव्य है, माने उसकी भी कोई कीमत। तो बताओ हम उस विचार के भरोसे जिंदा है कि हमें सम्यक दर्शन हो जाए, और वो विचार कितनी देर चलता है? ना जाने सबको चलता भी है कि नहीं। अब उनने तो वो विचार करती होगी तो उनने ले भी लिया इतना, तुम उनके चक्कर में अपना पैर मत छुपा लेना।